Hello everyone, myself Dr. Amit Chakravarti. I am a head neck cancer specialist. I am there at Specialty Surgical Oncology Hospital and Research Center Ghatkopar. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या मुंह के कैंसर में आधा जबड़ा निकालना जरूरी है। काफी पेशेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन लेके आते हैं, सर मेरा मुंह का कैंसर हुआ और आप आधा जबड़ा तो नहीं निकाल दोगे। दोस्तों, जो हर पेशेंट को मुंह में कैंसर होता है इसमें इसका मतलब ये नहीं कि उनका आधा जबड़ा निकाल दिया जाता है, ये एब्सोल्युटली गलत बात है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का कैंसर किस बाजू है। जब हमें ऐसा दिखा उनके बक्कल म्यूकोजा में और एब्सोल्युटली सेंटर में, जिसमें हमें 1 सेंटीमीटर का क्लियर मार्जिन मिल सकता है, तो उन पेशेंट्स में तो हम जबड़ा निकालते भी नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी दैट दे हैव कंप्लीटेड द ट्रीटमेंट विदाउट रिमूविंग द जॉ बोन, मीन्स उनके जबड़े को हमने टच ही नहीं किया है। कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनमें ऐसा होता है क्या कैंसर है लेकिन हल्का सा टच कर रहा है जबड़े को, जबड़े के अंदर नहीं घुस है, उन पेशेंट्स में हम शेव ऑफ करते हैं जबड़ा, मीन्स मार्जिनल मैंडिबुलेक्टोमी करते हैं, यानी उनका जो नीचे वाला पोर्शन है जबड़े का बचा देते, ऊपर का पोर्शन निकालते हैं ताकि हमें मार्जिन मिले। हर एक कैंसर जो ऑपरेट होता है उसमें मार्जिन लेना जरूरी है, क्योंकि आपको एक पार्ट में कैंसर रहेगा, वी नीड टू रिमूव, मीन्स वो जबड़े के साथ थोड़ा मार्जिन लेके निकालना पड़ता है ताकि बीमारी वहाँ पे वापस नहीं आए। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका जबड़ा ही इन्वॉल्वमेंट है, तो सपोज उनका एक राइट साइड का इतना पोर्शन जबड़ा इन्वॉल्वमेंट है, तो हम आगे पीछे जो 2-2 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके निकालते हैं जबड़ा, लेकिन अभी हम जबड़ा बनाते भी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जबड़ा कैसे बनाया जाता है? घुटने के नीचे 2 हड्डी है, टीबिया फिबुला, हर एक पेशेंट में प्रेजेंट है। अब इसमें से जो फिबुला बोन है वो हमारे शरीर में अपेंडिक्स निकालने के बाद कैसा है, वैसी सेम उसका भी फंक्शन है। फिबुला एक सपोर्टिंग बोन है, टीबिया जो है वो मेन हड्डी है जो चलने फिरने के काम में आता है, इसलिए फिबुला को हम निकालते हैं जितना लेंथ चाहिए चमड़ी के साथ और उसे वहाँ पे बिठा दिया जाता है। सिर्फ बिठाया ही नहीं जाता है, जो तुम्हारे दांत निकल गए ऑपरेशन में क्योंकि जबड़ा निकला था, वो दांत को भी 2 साल के बाद इम्प्लांट किया जाता है ताकि आप आराम से खाना पीना खा सको और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है एकदम अच्छी रहे। पहले ऐसा था कि जितना पोर्शन जबड़ा निकाल दिया वो जबड़ा बनाते ही नहीं थे क्योंकि छाती से मांस लेके फिट कर देते थे, उसे बोलते हैं PMMC सर्जरी। बट अभी हम लोग मोर देन 95% ऑफ सर्जरीज फ्री फिबुला फ्लैप कर रहे हैं, मीन्स जबड़ा निकाल रहे वापस जबड़ा लगा रहे। तो जो भी पेशेंट्स का जबड़ा निकालना पड़ा तो उसका जबड़ा वापस बनाया भी जाता है, और ऐसे हमने सक्सेसफुली 5,000 से ऊपर ऑपरेशन किए जो पेशेंट कंफर्टेबली जी रहे, और उनका बाद में हमने डेंटल रिहैबिलिटेशन मीन्स वापस दांत भी बिठाए। अभी कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनका राइट साइड यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंप्लीट जॉ बोन निकालना पड़ा क्योंकि वो थोड़ा लेट पहुँचे हमारे पास, लेकिन हमने उनका वापस कंप्लीट जॉ बोन बनाया ताकि पेशेंट का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी बाहर का जो लुक है इज सिमिलर जैसा वो पेशेंट ऑपरेशन से पहले दिखता था। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेशेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट होता है, डॉक्टर साहब हमारा कैंसर तो निकल जाएगा लेकिन हमारे खाने पीने का क्या, हमारा जो चेहरे का आकार है वो कैसा रहेगा, गाल अंदर दब तो नहीं जाएगा, नहीं दबेगा क्योंकि हम जबड़ा निकालने के बाद जबड़ा बना भी रहे। इसलिए जो हमने आज देखा है कि आधा जबड़ा निकालने से पेशेंट ने टेंशन में आना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि जबड़ा नहीं निकाल के हो सकता है क्या, लेकिन जब भी जबड़े का इन्वॉल्वमेंट है और जबड़ा निकालना पड़े तो हम फिर से वो पेशेंट का जबड़ा बनाते हैं। तो ऐसा कोई भी पेशेंट है जिसके मुंह में छाला है और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ मेरी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं, हम लोग 24/7 अवेलेबल है। आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पे या मेल कीजिए एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।